गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर न्यू टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। टुडे आवर टॉपिक इज द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सम इम्पोर्टेंट डेट्स। फर्स्ट इज 5 मई 1789, जो हमें बताएगी द स्टेट जनरल असेंबली के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 20 जून 1789, जो हमें टेनिस कोर्ट ओथ के बारे में बताएगी। इसके बाद हम 14 जुलाई 1789, जो कि एक स्टॉर्मिंग बेस्टाइल यानी कि बेस्टाइल जेल पे जो हमला हुआ था उसके बारे में हमें बताएगी। इसके बाद 1791, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दीज आर द सम इम्पोर्टेंट डेट्स। Now, first of all, I want to show you that in the 18th century में जो लोग थे वो अनपढ़ लोग होते थे, तो उनको कुछ सिंबल्स के द्वारा ही मतलब उनको कोई चीज़ समझ में आती थी, तो उनको रीडिंग नहीं आती थी। जस्ट लाइक दिस सिंबल, दिस इज़ द ब्रोकन चेन। दिस चेन वर यूज फॉर फेटर स्लेव्स, यानी कि स्लेवरी सिस्टम के बारे में रिप्रेजेंट करती है ये चेन। और जो ये टूटी हुई चेन है आप देख सकते हैं, तो ये फ्रीडम के बारे में बताती है, यानी कि स्लेवरी सिस्टम से वो किस प्रकार से उन्होंने फ्रीडम पाई। इसके बाद हम देखते हैं द बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस, यानी कि आप देख सकते हैं कि वन रोड कैन बी ईजिली ब्रोकन, एक रोड को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, अगर बट नॉट एन एंटायर बंडल, मतलब अगर इकट्ठा एक बंडल है रोड्स का तो उसको बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। तो ये जो है हमारा जो बंडल ऑफ रोड्स है, ये स्ट्रेंथ को दिखाता है और यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है जो ये है एक ट्राइंगल विद इन आई, यानी कि द आई विद इन द ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, जो कि दिखाता है ये क्या है इसके अंदर। द ऑल सींग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, यानी कि जो आई है ये क्या दिखा रही है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है, कि ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, जो सूरज की किरणें हैं वो क्या कर रही हैं, इसमें अज्ञानता को दूर कर रही हैं। और जो ये आई है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नॉलेज को। तो ये हमारी जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें आप देख सकते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट सिंबल्स एंड यू हैव टू रीड दिस। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशंस। जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें जो लुई 16 था वो कौन था, एक मोनार्की था, वो मोनार्की राजा था। उसने कोई भी डिसीज़न लेना होता था तो उसको अपनी जो जनरल स्टेट था, जनरल असेंबली थी, तो उनके साथ डिस्कस करना पड़ता था और तभी वो कोई डिसीज़न ले पाता था। तो अपने जो उनके पास लुई 16 ने डिसाइड किया था कि अब कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर किया जाए, तो उन्होंने कुछ टैक्सेस को डिसाइड किया कि वो टैक्सेस किस प्रकार से इम्पोज किए जाएँ। तो इसीलिए उन्होंने स्टेट जनरल असेंबली बुलवाई, जो कि 1789 में लुई 16 ने एक असेंबली बुलवाई थी, जिसमें उन्होंने एक प्रपोजल पास किया था नए टैक्सेस के लिए, जो वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता था, इसलिए स्टेट जनरल के लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था। इसके बाद हम देखते हैं द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, यानी कि जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे वो उनमें 300 लोग थे और सेकंड स्टेट के लोग भी 300 लोग थे, और जिनके 300 रिप्रेजेंटेटिव थे। और इसके बाद जो भी वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर, जो आमने सामने, यानी कि ये हमारा किंग है, अब जो ये रो है ये फर्स्ट स्टेट के लोग हैं, ये सेकंड जो रो है ये सेकंड स्टेट के लोग हैं, ठीक है। तो ये आमने सामने बैठते थे, ये इधर इनका एक दूसरे के सामने, मतलब इनका फेस भी इधर और इनका फेस इधर, और बीच में लुई 16 बैठता था यहाँ पर। इस प्रकार से
मतलब जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो कहाँ खड़े होते थे, स्टैंड एट द बैक यानी कि पीछे यहाँ पर वो खड़े होते थे। और इनकी स्ट्रेंथ कितनी थी, ओनली 600 मेंबर्स, ये 600 मेंबर्स होते थे। और सेकंड स्टेट में 300, फर्स्ट स्टेट में भी 300। और ये हमारे कौन है, लुई 16, ठीक है, तो ये हमारे किंग हैं। इस प्रकार से हमारी जो स्टेट जनरल की बैठक होती थी वो इस प्रकार से होती थी। तो इसमें लुई 16 जो था वो इनके सबकी सलाह से यानी कि सबके सभी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाता था और तभी कोई डिसीज़न ले सकता था। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। इसमें जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो हमारे थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें पीजेंट, आर्टिसंस और वुमेन्स, वो इसके अंदर एंट्री करनी उनकी उनकी एंट्री के लिए मनाही होती थी, उनको डिनाई कर दिया जाता था, वो असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इन द पास्ट वोटिंग वॉज कंडक्टेड ऑन द नेशन दैट ईच स्टेट एज अ होल हैड वन वोट, यानी कि पास्ट जो पुराने समय से उनका वोटिंग सिस्टम चला आ रहा था वो इस प्रकार से कंडक्ट किया जाता था कि हर एक नेशन, हर एक स्टेट में यानी कि हर एक स्टेट की अपनी एक ही वोट होती थी, हर एक स्टेट का अपना एक वोट होता था। तो इस प्रकार से किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इसमें थर्ड स्टेट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें बनता है, बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट ईच इंडिविजुअल शुड बी गिवन अ राइट टू वोट, यानी कि जो इसमें हर एक इंडिविजुअल जो था, जो इसमें थर्ड स्टेट के लोग होते थे वो ये चाहते थे कि हर एक मेंबर, हर एक इंडिविजुअल की एक वोट होनी चाहिए। तो ये उनका क्या था, उन्होंने ये डिमांड की थी किसके, यानी कि लुई 16 के सामने उन्होंने ये डिमांड की थी कि हर एक मेंबर की एक वोट होनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल की अपनी वैल्यू है, उनकी हर एक इंडिविजुअल की एक वोट जरूर होनी चाहिए। बट आफ्टर दैट दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बाय रूसो। अब ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, एक ये लोकतांत्रिक सिद्धांत था, किसने दिया था, ये रूसो ने दिया था। रूसो जो कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में हमारा, जो कि हमारे फिलोसोफर थे रूसो, जिन्होंने बुक लिखी थी अपनी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के रिगार्डिंग कि हर एक व्यक्ति की अपनी वोट होनी चाहिए, हर एक वोट की अपनी वैल्यू होनी चाहिए और डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। तो इसके बाद इन जो फिलोसफर्स के द्वारा, जो इनके द्वारा लिखी गई किताबें थी, तो उन्होंने जो ये बुक्स थी, इन बुक्स की रीडिंग करने के बाद वहाँ के जो लोग थे उनकी सोच में बदलाव आया, उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। इसके बाद व्हेन देयर प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय द किंग, जो प्रपोजल उन्होंने रखा था वो राजा के द्वारा क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। किंग लुई 16 ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया एंड द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, यानी कि थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो असेंबली से बाहर आ गए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था क्योंकि उनकी बातें नहीं मानी जा रही थी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, द थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज द नेशनल असेंबली, जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और ये 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में वो लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एंड ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, अपना खुद का संविधान ड्राफ्ट करने का उन्होंने वहाँ पर डिसीजन लिया था एंड विच लिमिटेड द पावर्स ऑफ द मोनार्क, जो मोनार्क वहाँ का राजा था लुई 16, उसकी जो पावर्स थी उन पावर्स को लिमिटेड करने के लिए यानी कि उन पावर्स पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये सब किया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था। आफ्टर दैट देयर वॉज एन आउटब्रेक ऑन द स्ट्रीट वेयर
Crowds of angry women stormed into the shops after spending hours in long queues at the bakery. वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा थी उस समय, वहाँ पर इतने ज़्यादा पैसे की कमी थी, लोगों के पास थर्ड स्टेट के लोगों बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके साथ, तो उनके पास एक ब्रेड खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो वहाँ पर आउटब्रेक हुआ गलियों में, वहाँ पर बहुत बड़ा यानी लोगों ने हंगामा किया, लोग इकट्ठे हुए, बहुत एंग्री वूमेंस थी वो क्राउडेड यानी कि क्राउड होके गुस्से में औरतों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल मचाई। तो इससे वहाँ पर जो दुकानें थी वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए थे और काफ़ी घंटे उनको लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता था बेकरी शॉप्स पे, एक रोटी के टुकड़े के लिए, एक ब्रेड के लिए उनको खड़े होना पड़ता था। ब्रेड के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे थे, तो उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ही बुरी सिचुएशन थी उनकी, बहुत ही यानी दयनीय कंडीशन थी उनकी। इतनी बुरी सिचुएशन के कारण वहाँ के लोग जो थे लुई 16 के अगेंस्ट हो गए थे, तो सभी एकजुट होकर लुई 16 के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसमें क्या हुआ, लुई 16 आफ्टर फेसिंग द रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, लुई 16 ने ये देखा कि सब उसके खिलाफ हो गए हैं एंड रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली को उन्होंने समझ लिया कि हाँ ये उसके अगेंस्ट है, ये उसके खिलाफ है और अब लुई 16 कुछ नहीं कर सकते, एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट हिज पावर्स वुड बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसने ये समझ लिया था कि जो उसकी पावर है वो एक संविधान के द्वारा उसको नोटिस में रखा जाएगा, एक संविधान के द्वारा ही उसको चलना पड़ेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको काम करने पड़ेगा। तो इसीलिए लुई 16 ने क्या किया, उनके प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड डिक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम एंड ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। अब जितने भी उनके ऊपर जितना भी फ्यूडल सिस्टम था उसको अबोलिश किया गया, जो टैक्स लगाए थे उनको अबोलिश कर दिया और मोनार्की सिस्टम को पूरी तरह से अबोलिश कर दिया। तो 4 अगस्त 1789 को ये डिक्लेयर हो गया कि यहाँ पर अब मोनार्क सिस्टम नहीं चलेगा, अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी आने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, अबोलिशन ऑफ जो हमारा इसका अबोलिशन हुआ जो हमारी मोनार्की सिस्टम था। अब हम इसके बाद बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पर बना 1791 में, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।